जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजधानी दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने यमुना की सफाई पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी को आरे हाथों लिया है। साथ ही दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज यादव ने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा कांग्रेस की नकल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के समय 5 साल बाद यमुना नदी में डुबकी लगाने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस ने केजरीवाल को डुबकी लगाने की चुनौती दी थी, लेकिन बीजेपी गंदी राजनीति करते हुए खुद ही जाकर यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगाई। ऐसे में गंभीर बीमार होना लाजमी था। मनोज यादव से जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आरके जायसवाल ने बातचीत की है, सुनिए पूरी बात में उन्होंने क्या कहा। जायसवाल जी, आपके दर्शकों को, दिल्ली के लोगों को, अपने क्षेत्र के त्रिनगर के लोगों को मैं आने वाले त्योहारों की दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भगवान उनके सबके कारोबार अच्छे चलाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो लोग तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कांग्रेस भी जा रही है यमुना नदी पर और भाजपा के अध्यक्ष ने तो डुबकी लगा दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैं गंगा यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। नहीं, कांग्रेस तो सबसे पहले गई। कांग्रेस ने तो केजरीवाल जी को चैलेंज किया कि आपने कहा था कि 5 साल बाद मैं इसमें डुबकी लगा के दिखाऊंगा, तो कांग्रेस ने उसको चैलेंज किया कि आप डुबकी लगाइए। हमारे अध्यक्ष वहाँ गए, यमुना का हाल दिखाया, आपके पत्रकार बंधु उसमें साथ थे, तो हमारे अध्यक्ष जी ने, देवेंद्र यादव जी ने वहाँ पे केजरीवाल जी को चैलेंज किया। और जो दूसरी पार्टी डुबकी लगा रही है, उसका डुबकी लगाने का मतलब क्या? चैलेंज तो हमने किया है ना, आप वहाँ जाके क्यों हीरो बनना चाहते हैं भाई? और फिर हीरो ऐसे निकले कि जाके बीमार हो गए, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ये तो मेरे ख्याल से उनको नहीं करना चाहिए था। जो राजनीति का तरीका है, जो राजनीति अगर करनी है तो राजनीति आप साफ सुथरी राजनीति करो, किसी की नकल मत करो। तो चैलेंज हमारा था, तो आप वहाँ जाके डुबकी क्यों लगा रहे हो? आपने तो वादा नहीं करा था कि आप वहाँ पे डुबकी लगाओगे। डुबकी लगाने का वादा जो किया था केजरीवाल जी ने किया था, और केजरीवाल जी नदारद है। क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और एक चिट्ठी लिखा है इन्होंने जनता के नाम, उनको कैसे जेल में डाला गया, पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है, लोग बीच में जा रहे हैं, फिर से लोग झपकियां भर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं केजरीवाल जी। नहीं, अब आशीर्वाद लेते रहो, जनता समझ चुकी है। मैरोली में कल उसको काले झंडे दिखाए गए, क्यों दिखाए? जनता समझती है कि आप जेल में कोई मेडल जीत के नहीं गए, जीतने नहीं गए थे, जेल में गए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। आप और आपके मंत्री, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे जैन हो, आप गए हो भ्रष्टाचार में। और भ्रष्टाचार का मतलब तो भ्रष्टाचार है ना। और कंडीशन क्या है आपके उप मुख्यमंत्री के ऊपर? कंडीशन है कि हफ्ते में 2 बार जाके आप थाने में हाजिरी लगाओगे। किसको कहा जाता है कि हाजिरी लगाने के लिए? जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं, जिन पर संगीन मुकदमे होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप जाके थाने में हाजिरी लगाओगे। वो भी एक बार होती है, लेकिन इनको 2 बार बोला गया। अपने टेलीफोन की लाइव लोकेशन चालू रखोगे, ये भी बोला गया। मगर वो तो जब पार्टी नहीं बनाए थे तो शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज कांग्रेस नेताओं को बोलते थे। नहीं, कांग्रेस सरकार के किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए के विरुद्ध आज तक कोई चार्जशीट हुई, कोई एफआईआर दर्ज हुई? कांग्रेस सरकार ने दिल्ली का डेवलपमेंट किया था, दिल्ली को सजाया था, संवारा था और दिल्ली को एक ग्रीन राजधानी के रूप में पेश किया था। शीला जी के टाइम पे राजधानी में एक भी दिन पोल्यूशन के नाम पे कभी छुट्टी नहीं करनी पड़ी, दिल्ली को बंद नहीं करना पड़ा, ऑड इवन नहीं करना पड़ा, कोई कंस्ट्रक्शन बंद नहीं करनी पड़ी, कोई उद्योग बंद नहीं करना पड़ा। और आज क्या हो रहा है, जब से केजरीवाल जी आए हैं, कभी ऑड इवन होता है, कभी आप फैक्ट्री बंद करा रहे हो, कभी कंस्ट्रक्शन बंद करा रहे हो, कभी स्कूलों की छुट्टी करा रहे हो। ये कोई सरकार के काम है क्या? अगर 10 साल रहने के बाद भी आपकी स्थिति यह है कि आपको पोल्यूशन के नाम पे दिल्ली को बंद करना पड़ रहा है, तो इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देना चाहिए,
दिल्ली की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, जगह जगह धूल मिट्टी उड़ रही है। जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के, उस पर भी जो इनका एनजीटी के आदेश हैं, जो सरकार के आदेश हैं, ग्रैप में जो कंडीशन लगाई गई हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो अपने आप को सुधारिए, दिल्ली की जनता तो सुधरी सुधराइए। दिल्ली की जनता आपको समझ चुकी है कि आप काम नहीं करते, सिर्फ बातें बनाते हैं। नहीं, कोई समाज कल्याण निदेशालय जहाँ से पेंशन मिलती है उसका कोई नोटिफिकेशन आज तक आया है? अगर नोटिफिकेशन उसका आया है कि हम पेंशन शुरू कर रहे हैं, तो वो विधायक जी को डिस्प्ले करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। जिस तरीके से दूसरों में भाजपा के नेता जा रहे हैं और डेरा डाले हुए हैं और एक फॉर्म भर रहे हैं कि सरकारी नौकरी दिया जाए। नहीं, सरकारी नौकरी की बात तो मोदी जी जब आए थे तो इन्होंने कहा था हर साल 2 लाख नौकरी देंगे। क्या ये चुनाव के वक्त इनको याद आता कि हम नौकरी देंगे? झुग्गी वालों को बहकाना अब इतना आसान नहीं है, वहाँ पे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, वहाँ के लोग समझदार हैं और सब जानते हैं कि कौन काम देता है कौन नहीं देता। झुग्गी वालों ने कांग्रेस का काम देखा था, उनकी जो डेवलपमेंट की गई थी झुग्गियों में वो सारी कांग्रेस की देन थी। ये सिर्फ वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं और इनका कोई काम नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।